जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आपके बैंकिंग सेक्टर में कि आरबीआई के नए गवर्नर आ गए हैं, तो नए गवर्नर से क्या उम्मीदें होगी, क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्योंकि पहले का जो दौर था उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी, तो आपको लगता है कि ये जो नए गवर्नर आए हैं वो उसको एड्रेस करेंगे? लेकिन अनुराग जी, मुझे सबसे बड़ा जो रिस्पेक्ट इस कंट्री में यदि किसी एक इंस्टीट्यूशन का है वो आरबीआई से है, और हम उसके पास 20-22 साल से काम कर रहे हैं, और हमेशा आरबीआई ने एट डिफरेंट लेवल, चाहे वो लीडरशिप जूनियर हो, मिडिल हो, सीनियर हो, सबने इस फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती देने के लिए कदम उठाए हैं। सबके अपने व्यू होते हैं, सबके अपनी अप्रोच होती है, और हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इंडिया में कोई बैंक डूबा नहीं है, इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि पहले भी बहुत सा काम हुआ है, हमको तो लाइसेंस मिला, हमको तो पहले एनबीएससी थे, हमको मौका दिया, हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। पहले भी स्कीम अच्छी थी, लेकिन चेंज इज ऑलवेज वेलकम, बिकॉज हमेशा नए नए गवर्नर साहब आते हैं, नई सोच लेके आते हैं, नई चीज लेके आते हैं, नए एजेंडा होते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त जब आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में नया एक इनिशिएटिव चाहिए, नया कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत आशा है आरबीआई से कि वो ना केवल आज की स्थिति को समझ के कुछ एक्शन लेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म भी जो उनका व्यू रहता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बैंकिंग चैनल सिस्टम में रहना चाहिए और डेवलप होना चाहिए लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, उसमें नए गवर्नर साहब जरूर योगदान देंगे। और मुझे आशा ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आरबीआई जो करेगा उस देश के हित में करेगा।